गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ डोंबी बली में। लास्ट वीडियो मैंने मोमोज पे बनाया था, आपको उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज दोपहर का टाइम है तो मैं कोई स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं करने वाली हूँ, मैंने सोचा थोड़ा लंच ट्राई किया जाए। तो लंच के लिए मैं द वेज कैपिटल रेस्टोरेंट ट्राई करने जा रही हूँ, प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो मैं जा रही हूँ ट्राई करने के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड प्लीज़ शेयर करना ना भूलें एंड enjoy the video till the end। लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पे एसी और नॉन एसी है जिसके दोनों के अलग चार्जेस हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैं ट्राई करने जा रही हूँ वेज कैपिटल स्पेशल थाली जिसका प्राइस है 245। तो मैंने ऑर्डर कर लिया। वेज थाली आ गई है तो इसमें एक स्टार्टर है, चिली, एक मिक्स वेज है, एक दाल फ्राई है, एक पनीर की भाजी है, जीरा राइस है, छाछ है, रायता है और एक स्वीट है, पापड़ है और चपाती है। तो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले ट्राई करने जा रही हूँ, दाल काफ़ी अच्छी लग रही है। सबसे पहले मैं जीरा राइस के साथ, राइस एकदम फ्रेश लग रहे हैं। दाल में जो घी का तड़का दिया गया है उसकी वजह से दाल काफ़ी टेस्टी लग रही है और इसमें मसाले भी अच्छी तरीके से भुन गए हैं। चावल में भी जीरा होने के वजह से जो जीरा है वो क्रिस्पी लग रहा है, उसकी वजह से राइस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो दाल और जीरा राइस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं ट्राई करने जा रही हूँ चपाती के साथ पनीर की सब्ज़ी। पनीर की सब्ज़ी का जो कलर है एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी लग रही है भाजी टेस्ट में, मसाले काफ़ी अच्छे तरीके से भुन गए। इसमें बहुत सारे मसाले पड़े हुए हैं, शिमला मिर्च भी है, पनीर भी है, कांदा भी है, काफ़ी अच्छे तरीके से भाजी को फ्राई किया है। नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रही हूँ मिक्स वेज, सेकेंड ऑप्शन है भाजी का। इसमें सारी भाजियाँ हैं, बीन्स, मटर, आलू, गोभी और भी बहुत कुछ है। इसमें फ्लावर भी है, यहाँ पे एक स्वीट भी दिया है जिसमें सारे फ्रूट्स हैं, इसमें थोड़ा सा स्वीट है, एक रायता दिया है जो आप राइस के साथ खा सकते हैं और एक छाछ। छाछ
छाछ एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्रेश है, मैं थोड़ा बचा के रखती हूँ नहीं तो मैं पूरा साथ में ही पी जाऊँगी, इतना टेस्टी है। छाछ का ग्लास थोड़ा छोटा है। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो पनीर की भाजी अच्छी लगी, और दाल फ्राई भी काफ़ी टेस्टी है। खाने में पापड़ नहीं होगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए एक पापड़ भी दिया हुआ है। तो ये जो थाली है उसको मैं 10 out of 9 दूंगी, जस्ट बिकॉज जो छाछ है उसका ग्लास काफ़ी छोटा है। अदरवाइज बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है। जो ये स्वीट है इसमें सारे फ्रूट्स हैं, और उसमें स्पेशल जो उन्होंने सर्विसिंग दी है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें अनार के छोटे छोटे पीसेस डाले हैं, तो उसकी वजह से वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उसको भी ट्राई कर लेती हूँ मैं। एक्चुअली मैं हर एक चीज़ के लिए अलग अलग स्पून ट्राई कर रही हूँ, किसी का भी टेस्ट एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। ट्राई करते हैं जो ये स्वीट है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वैसे इसको लास्ट में खाते हैं, बट मैं ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें पाइनएप्पल है, मैंगो है, और ऊपर से ये थोड़ी सी आइसक्रीम डाली हुई है, काफ़ी टेस्टी लग रही है। जो ये वेज थाली है वो काफ़ी टेस्टी है, तो मैं आपको भी बोलूँगी आप प्लीज़ ट्राई करें यहाँ पर आके, काफ़ी टेस्टी है, सब कुछ मिल जाता है आपको अफोर्डेबल प्राइस में।